Hello everyone, I am Dr. Abhishek Deepak. I am consultant gastroenterologist in Sharda Hospital. आज हम बात करेंगे irritable bowel syndrome के बारे में. Basically, irritable bowel syndrome एक chronic condition होती है जिसमें कि लंबे समय तक आंतों में दिक्कत के कारण पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है, मरोड़ की शिकायत रह सकती है, साथ में constipation या chronic diarrhea की शिकायत patient को रह सकती है, साथ में abdominal bloating की शिकायत भी patient को हो सकती है. Irritable bowel syndrome के कारण की हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेस के वजह से या फिर इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोटा के चेंजेस की वजह से हो सकता है. ये अनुवांशिक भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, और यूजुअली ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स. ऐसा देखा गया है कि यूजुअली ये यंग एज में ज़्यादा कॉमन होता है. इसके अलावा जो लोग जिनको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है जैसे स्ट्रेस या डिप्रेशन, उसमें भी ये ज़्यादा कॉमन पाया जाता है. यूजुअली IBS में आंतों के अंदर कोई मेजर खराबी नहीं होती, लेकिन आंतों की हाइपर एक्टिविटी के कारण ये सिम्टम्स परसिस्टेंटली रह सकते हैं. ऐसा देखा गया है कि जब कभी कोई फूड आइटम जो कि ट्रिगर कर सकते हैं सिम्टम्स, उनके इनटेक के बाद या फिर किसी यूजुअली स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, या फिर कभी कभी इन्फेक्शन के बाद से ये सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं. ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्शन की वजह से इंटेस्टाइन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. अगर हम इसके इलाज की बात करें तो यूजुअली इसके इलाज के कई पहलू हैं. पहला पहलू है कि यूजुअली एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं. एक हेल्दी डाइट फॉलो करने से, यूजुअली हम लोग ऐसे पेशेंट्स को लो फॉडमैप डाइट एडवाइस करते हैं जिसमें कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ज़्यादा ब्लोटिंग करते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर वीट, ऐसे प्रोडक्ट्स को यूजुअली पेशेंट को अवॉइड करने को कहते हैं. डाइट के अलावा हम लोग पेशेंट को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बताते हैं कि स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचना चाहिए. उसके अलावा फिर मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो मेडिकेशंस में हम लोग एंटी स्पैज्मोडिक देते हैं जिससे कि इंटेस्टाइन का जो स्पैज्म है उसको कंट्रोल किया जा सके. अगर पेशेंट को डायरिया है तो एंटी डायरियल दिया जाता है. अगर पेशेंट को प्रीडोमिनेंटली कॉन्स्टिपेशन है तो फिर उसको यूजुअली फाइबर ऐड करते हैं. फाइबर से अगर नहीं रिस्पॉन्स आता है तो उसको ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स हम लोग ऐड करते हैं. अगर पेशेंट को एसोसिएटेड डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी है तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग एंटी डिप्रेसेंट भी ऐड करते हैं जिनका अच्छा रिस्पॉन्स है. IBS यूजुअली एक लॉन्ग टर्म डिसीज है, इसका कोई क्योर नहीं है और इसके सिम्टम्स बहुत वेरिएबल होते हैं. किसी पेशेंट के सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं, किसी पेशेंट में सिम्टम सीवियर हो सकते हैं. और IBS कई बार पेशेंट्स में अपने आप रिकवर भी हो जाता है और कई बार पेशेंट में लंबे समय तक बना भी रहता है. अगर कोई IBS पेशेंट है और उसके सपोज स्टूल में ब्लड आ रहा है, उसको वेट लॉस बहुत सिग्निफिकेंट है. यूजुअली IBS का ऑनसेट अर्ली एज में होता है, बट अगर किसी को लेट एज में IBS के सिम्टम्स है तो ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए टू रूल आउट अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजेस. थैंक यू वेरी मच.